सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज है मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट। तो फ्री फायर इंडिया का क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ मैं बताऊंगा गाइस। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने पहले अपडेट की ओर। तो गाइस, फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज है वो है नवंबर में होने वाला है। आज से 2019 में हुआ था गाइस, लेकिन अब होने जा रहा है 2024 में, और इसे होस्ट करेगा गाइस ब्राजील सर्वर। हाँ, ये टूर्नामेंट ब्राजील में ही होगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले स्टोरी की तरफ। गाइस, आपको पता है कि फ्री फायर के बहुत सारे एम्प्लॉइजों को अपने इंडियन सर्वर में लाया गया था। तो गाइस, इसी की रिगार्डिंग बात करते हुए फ्री फायर के एक्स एम्प्लॉइज टुक्स भाई ने उसी पर चर्चा किया है और FFWS के बारे में सब कुछ बताया है, क्या है, कैसे है। तो पहले उस क्लिप को देख लो। गेम की जो डेट है ना, मैं जैसे आपको सितंबर के बाद से मैं एकलौता बंदा आपको कोई कंफर्म डेट ही वो आज तक मैं नहीं बोला, आप लोग को कोई कंसिडर हो रहा है ये वो कुछ भी नहीं बोला, मैं जो सच है वो बोल के आ रहा हूँ। फ्री फायर इंडियन टीम जो है, जो नेपाल में शिफ्ट कर गया था, उनके पास भी आज के टाइम में कोई डेट नहीं है। मैं जैसे पहले से बोल के आ रहा हूँ, एक ही चीज़, सिंगापुर टीम डिसाइड करता है लॉन्च। फ्री फायर इंडिया के जो टीम था ना, वो टीम गया था नेपाल में शिफ्ट कर गया था जब हमारे इंडिया में बैन हुआ था फ्री फायर की वर्जन। उसके बाद से है ना, जितने भी कंट्रोल्स है, गेम मास्टर टूल्स है, जिनको हम लोग GM टूल्स बोलते हैं ना, सारे चले गया सीधा सीधा अपने सिंगापुर रीजन के हाथ में। इंडियन रीजन यहाँ की लोकल इवेंट्स, यहाँ की जितने भी लोकल प्लानिंग वगैरह करना वो लोग करेंगे। गेम की जो लॉन्च है ना, वो होने वाला है सीधा सीधा अपने सिंगापुर टीम के पास। ठीक है, सिंपल सी बात है। गेम का लॉन्च इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज सिंगापुर टीम अभी हॉल्ट में रखी है। गेम एकदम तैयार है, मेरे हिसाब से QA भी हो गया उसका, टेस्टिंग वगैरह बग्स एंड ग्लिचेस सबका हो गया, कुछ लोगों को बुलाए भी गए थे मेरे को पता है। एंड KOL जो होते हैं हमारे गरीना के पार्टनर प्रोग्राम वाले, जिनका हरकत है आजकल कुछ ठीक नहीं है, सीधा मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग गैम्बलिंग वेबसाइट्स और कुछ लोग बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। मैं गरीना का जो मेन ऑफिशियल है उनको मैं खुद कंप्लेन किया हूँ और उन्होंने बोले कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। सो अगर किसी को मेरे ऊपर हेट है तो आई एम सॉरी। बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस, आज के टाइम में आप लोग को कोई डेट बता रहा है तो बिलीव मत करना, बिकॉज किसी के पास डेट नहीं है। ठीक है, करने के लिए सब कुछ रेडी है, बस हम लोग वेट ये कर रहे हैं कि जब गेम का अनाउंसमेंट आएगा ना, थोड़ा बहुत हाइप के साथ आने के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो हो जाएगा जल्दी, बट कुछ एग्जाम फैक्टर्स है कि क्या सीन है उसका मेरे को आइडिया नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम के फैक्टर्स है जिसकी वजह से टक्स भाई नहीं आ रहा है, सो उसका तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बिकॉज मैं गरीना ना मैं काम करता हूँ ना मेरे को इन डेप्थ कुछ पता है। एंड जो ई स्पोर्ट्स टीम है ना, वो शायद यूरोपियन टीम को इंडियन टीम में इसलिए लाया गया क्योंकि FFIC का जितना जल्दी हम लोग, मैं आपको पहले से बोल के आ रहा हूँ तो आपका अगर याद होगा तो ई स्पोर्ट्स का कोई हेड नहीं इंडिया में। रोमियो सर, लास्ट रोमियो मसो नाम के जो इंसान थे उन्होंने हैंडल कर रहे थे, साथ में वासु सर थे, बहुत सारे लोग थे जिनके साथ मैं खुद काम किया था। आजकल वो लोग नहीं है जिसकी वजह से FFIC कंडक्ट करने में भी थोड़ा इश्यूज हो रहा था। लोकली लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे बट मेंटेनिंग बिहाइंड द सीन्स जो मेंटेनिंग होता ना उसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे। बट FFIC तैयार है कि अगर गेम गेम मार्च की फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर अगर आ रहा है तो अप्रैल में FFIC, मई में मोस्ट प्रॉब्ली होना चाहिए। एक चीज़ का हम लोग लेके चल रहे हैं कि एक महीने का गेम देखते हैं किस हिसाब से गेम कुछ सर्वर इशू या कुछ भी इश्यूज आ रहा है करके। तो ये फिलहाल के टाइम का अपडेट है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले स्टोरी की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि क्लासी FF बहुत ही गुस्सा हो गए थे बेटू YT पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो गाइस, बेटू YT उनको रिप्लाई दिया है, जो कि गाइस क्लासी भाई के लाइव स्ट्रीम में खेल रहे थे और उनको गाली वाली दे रहे थे, उनको रिप्लाई किया है। तो क्या कहा है उन्होंने, मैं उसे छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूं। बस आप लोगों को किसी को हेट नहीं देना है गाइस, तो आप लोग देख लो छोटा सा क्लिप। तो इनमें से एक चूतिया ने ऐसी बात बोली थी, कौन था मेरे को अभी ढंग से याद नहीं है, लेकिन किसी चूतिया ने बोला था कि भाई बेटू पहले हैक लगा के खेलता था एंड अभी हैकर के साथ खेल रहा है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि तुमने अगर देखा है कि तुम्हारे पापा हैक यूज करते हैं, तुम एक चीज मेरे को कहीं पे भी प्रूव करके दिखा देना कि भाई तुम यूट्यूब से कहीं से वीडियो उठा लेना, किसी के वीडियो में से उठा लेना, कहीं पे ऐसा दिख रहा हो कि भाई बेटू हैक लगा के खेल रहा है, भाई मैं चैनल खुद डिलीट कर दूंगा। मैं स्टार्टिंग से लेकर आज तक जितना भी BR रैंक खेला हूँ भाई, तुम्हें पता होगा मैं टॉप 1 पे रहता था पहले पूरे पूरे साल, कितने कितने सीजन आए मैंने पूरा टॉप 1 पे बता दिया आराम से। एंड मेरा मेन टॉपिक क्या था बंदों का, मेरा वीडियो बनाने का, कि भाई मैं टॉप 1 पे था एंड मेरा KD कुछ 0.1 का करके था, मतलब समझ लो 1 का भी नहीं था, एंड मैं टॉप 1 पे बैठा था ग्लोबल पर। तुम मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लोगे तो मेरा KD वगैरह सब दिख जाएगा, इतना सा सीन था। इसलिए मेरे को ट्रोल करके वीडियोस वगैरह बनाते थे कि भाई ये हैकर के साथ खेलता है क्योंकि बंदे मारता नहीं है, प्लस कहां से लेता।
पता होगा गेम में पहले ड्रम डैमेज वगैरह रहता था, तो मेरे को किल करने का कोई शौक नहीं था, ड्रम डैमेज उठाता था एंड मैं अपना सर्वाइव करके खेलता था। स्टार्टिंग से मेरा यही सीन था। अगर तुम्हारे पापा कहीं पे तुम्हें दिख जाए ना हैक लगाते हुए एक भी पुरानी वीडियो कहीं से भी यूट्यूब से, 2 साल 3 साल 4 साल बहन चो जितनी पुरानी वीडियो उठानी हो उतनी उठा लेना, कहीं पे दिख जाए मैं उसी वक्त चैनल डिलीट कर दूंगा, समझे। एंड अभी डेढ़ साल पुरानी बात होगी, इनमें से कोई बंदा एक बार और बोल रहा था जब सीएस में मेरे अपोनेंट में आए थे, बहुत पहले की बात है शायद 1.5 या 2 साल की, बेटू पैनल सेल घर था भाई, मतलब लॉजिक की भी हद होती है, लॉजिक खा गया भाई, तुम्हारी गांड में घुस गया क्या, मैं क्या बोलूं, ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं ना बहनचोद गेम में, दिमाग अपना यूज करना नहीं रहता है। तो भाई तुम, अब मैं और इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले स्टोरी की तरफ। तो गाइस विंजर भाई लाइव कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि वो पिछले 3 साल से सिंगल है, बाकी के साल वो मिंगल थे, यानी वो भी रिलेशनशिप में थे। तो थोड़ा सा क्लिप है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी। पिछले 15 साल में मैं इन 3 साल सिंगल रहा हूँ, ठीक है, बाकी 12 साल में सिंगल नहीं था, ठीक है। पिछले 3 साल से सिंगल हूँ भाई लोग, पता है, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग चल रहे इस टाइम अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड अब शादी पे ही टूटेगा जब घर वाले खुद कराएंगे, बाकी तो हम लोग करने नहीं वाले ऐसे। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।